नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस की एमसीक्यूज की सीरीज में, जिसमें टोटल आपको मिलने वाले हैं 20,000 एमसीक्यूज अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आप रोज मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के 50 एमसीक्यूज हम डेली सॉल्व कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 401 पे। तो देखिए, जो लोग पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए यही है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस जो हैं इनको फॉलो करते रहिए, अपने आंसर्स जो हैं वो सबमिट करते रहिए और बताइए कि आपका स्कोर जो है वो कैसा चल रहा है, और अपनी जो नेगेटिव मार्किंग जो भी अगर आपकी हो रही है तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल जो है आज का वो है टैमीफ्लू इज अ फ्रंट लाइन ड्रग अगेंस्ट। तो टैमीफ्लू, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो हम बात कर लेते हैं इसी ड्रग की। ये एक दवा है और ये एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग से क्या मतलब है? एंटीवायरल का मतलब होता है, एंटी का मतलब है अगेंस्ट और वायरल का मतलब क्या है? वायरस के अगेंस्ट। तो ये ऐसी ड्रग है जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है। और इसे हम यूजुअली कहाँ यूज़ करते हैं? इसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं जितने भी हमारे इन्फ्लुएंजा हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हम इसको बर्ड फ्लू के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं उनमें से हम कौन सा ऑप्शन टेक करेंगे? ऑप्शन हमारा होगा आंसर ए। ठीक है, तो जो टैमीफ्लू है, टैमीफ्लू मार्केट नेम है उसका, लेकिन अगर आप इसका केमिकल नेम देखो तो केमिकल नेम इसका है ओसेल्टामिविर। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे इन्फ्लुएंजा ए के लिए और इन्फ्लुएंजा बी के लिए। अगला सवाल देखिए, व्हाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल। देखिए, आपका जैसे खाने का जो तेल है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अगर उसको हीट कर देते हैं या फिर उसको आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ऐसा कहा गया है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, अगर आप जो ऑयल है उसको एक लेवल के बाद में भी अगर हीट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे केमिकल्स का फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसे केमिकल्स जो क्या होते हैं आपके, जो आपके कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन माने कि कैंसर कॉजिंग, उनकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम ये आपका सही जवाब है इसी क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन देखिए, द ऑयल वेपर कैन बी कॉज इंडोर पोल्यूशन, नहीं। दूसरा है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, और यहाँ तो एक ऑप्शन भी आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है, क्या बेंजीपायरीन। बेंजीपायरीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, ये बात एकदम ठीक है। इसलिए जो खाने का तेल है आपका, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, उसको आपको बार बार जो है बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं है और बार बार उसको यूज़ नहीं करना है सेम ऑयल को। ठीक है, तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस उसमें फॉर्म हो जाएंगे और ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका सोया ऑयल है, कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पहला जो क्लोन्ड शीप था, जो पहली क्लोन करी गई भेड़ थी वो कौन सी थी। तो देखिए, पहली क्लोन जो शीप थी उसका नाम था डॉली। ठीक है, डॉली जो है उसको 1996 में बनाया गया था। और देखिए, डॉली जो है क्लोनिंग, अगर मैमल्स के आपको पूछा जाए कभी भी कि मैमल्स के अंदर सबसे पहले क्लोन करके बनाया जाने वाला एनिमल कौन था, तो वो था डॉली। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। डॉली जो है वो 6 साल तक जिंदा रही थी, 6 साल के बाद में 2003 में डॉली की डेथ हो गई थी। और ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी क्लोनिंग कहाँ पे हुई थी। तो ये क्लोनिंग हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर, और इंस्टीट्यूट का क्या नाम था? रोजलिन इंस्टीट्यूट इन मिडलोथाइन। मिडलोथाइन को एक जगह है स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ का रोजलिन इंस्टीट्यूट। ओके, अगला सवाल देखिए, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूछा और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है वो करेक्ट है। हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करेंगे, जो पेरेंट्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, उनके गैमेट्स को कलेक्ट कर लेंगे। उनके गैमेट्स को कलेक्ट करने के बाद में लेबोरेटरी के अंदर क्या है, हम उनका फ्यूजन करवाएंगे। फ्यूजन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में वहाँ पे क्या होगा, जाइगॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो जाइगॉट है उसके बाद में हम ये जाइगॉट को मदर के यूट्रस में प्लेस कर देंगे, वहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होगा और आगे का पूरा डेवलपमेंट जो है वो मदर में होगा। तो इस सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, नहीं, एकदम गलत है। फर्टिलाइजेशन तो बाहर लेबोरेटरी में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, जी हाँ, और डेवलपमेंट इंटरनल है, एकदम ठीक बात है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, लार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो लार्क देखिए इंसेक्ट होता है, उससे लिया जाता है, उस इंसेक्ट को ही हमने क्योंकि इतना उससे लार्क लिया है तो हमने उसका नाम ही क्या रख दिया है, लार्क इंसेक्ट। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एन इंसेक्ट। ठीक है, और इंसेक्ट को हमने क्या बोला, लार्क इंसेक्ट। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है 406। क्वारंटीन रेगुलेशन पूछा है आपको, किस चीज़ से संबंधित है, तो क्वारंटीन देखिए जैसे कोरोना वायरस के अभी चल रहा है, तो क्वारंटीन आप सबने सुन लिया होगा, क्वारंटीन और आइसोलेशन दो चीज़ें। तो देखिए किसी के अंदर अगर सिम्टम्स हैं या फिर किसी के अंदर कंफर्म हो चुका है कि इसके अंदर डिजीज है इस तरह की, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि औरों में फैल सकती है, तो हम उसको सेपरेटली रखते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोलेशन। क्वारंटीन है कि अभी तक आपके अंदर डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस कुछ चीज़ों का अगर सावधानी बरतें और इन इस तरह के एनवायरनमेंट से दूर रहें, अपने आप को बचाएं उस डिजीज से, उसे हम क्या कहते हैं, क्वारंटीन। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखिए, ग्रोइंग ऑफ बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, नहीं, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, एकदम ठीक बात है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री को हमें प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम क्वारंटीन प्रैक्टिसेस जो है उसको फॉलो करते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आप सब क्वारंटीन को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म्स। क्वेश्चन नंबर 407 देखिए, 407 है, टॉक्सिकोलॉजी आपसे पूछा है, टॉक्सिकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को, किस चीज़ के अध्ययन को हम टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे, तो देखिए टॉक्सिकोलॉजी दो वर्ड्स का मिलके बना हुआ है, पहला है टॉक्सिन और दूसरा है लोगोज, लोगोज का मतलब होता है स्टडी, और टॉक्सिन जो है यहाँ पे, टॉक्सिन जो टर्म यूजुअली यूज़ किया गया है यहाँ पे पॉइजन्स के लिए, वैसे टॉक्सिन केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं कोई भी, जैसे कि होमिसाइड के अंदर या फिर सुसाइड के अंदर बहुत बार जो है इस तरह के केमिकल्स पॉइजन्स का यूज़ किया जाता है, तो उनके जो हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन से टॉक्सिन के इंटेक से किस तरह के सिम्टम्स आएंगे, तो वो सब आते हैं हमारा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी, पॉइजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में, गर्भ निरोधक गोलियां जो है जो बाजार में आपको मिलती हैं उनके अंदर, जैसे कि पिल्स के नाम आपने सुने होंगे, सहेली नाम की पिल आती है एक, ठीक है, उसके अलावा माला एन आती है, माला डी आती है, ठीक है, तो इनके बारे में अगर आपने कभी पढ़ा होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इनके अंदर जो है आप देखिए कि जो कुछ स्टेरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, कौन कौन से, इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, लिबोनॉर गेस्ट्रॉल है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इन जो पिल्स होती हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं इनके अंदर मिलता है, वही आपको पूछा है। एंटीबायोटिक्स क्या है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली, तो एंटीबायोटिक्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हर्बिसाइड्स, सारे ऑप्शन एकदम घटिया ऑप्शन दिए हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका क्वेश्चन से, तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, और कौन से होते हैं ये हम बात कर चुके हैं, लिबोनॉर गेस्ट्रल, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग मेडिसिन के अंदर, अलग अलग पिल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा है कौन सा जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, उनमें से नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है, गैर जहरीला जिसमें जहर नहीं है, तो कोबरा, देखिए कोबरा के अंदर जहर होता है, डायोफिस है, इलेप्स है, ये तीनों जो ऑप्शन है ये पॉइजनस स्नेक के आपको दिए हुए हैं, लेकिन जो पाइथन है अजगर, वो आपका एक नॉन पॉइजनस स्नेक का एग्जाम्पल है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पॉइजनस स्नेक के, वो आपको याद रखने के लिए ज़्यादा ईजी होंगे, जैसे कि कोबरा है आपका, कोबरा एक पॉइजनस स्नेक है, उसके अलावा जो क्रेट है, वाइपर है, उसके अलावा वाटर से रिलेटेड जितने भी जो स्नेक्स हैं हमारे वाटर वाले एक्वाटिक, वो मैक्सिमम आपके कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो हाइड्रोफिस जिसका दूसरा नाम क्या है, सी स्नेक, वो भी आपका पॉइजनस होता है, और किंग कोबरा जो है वो भी पॉइजनस है, और एक किंग कोबरा के बारे में अलग चीज आपको बताई है कि ये अपना घोंसला बनाता है, बिल्ड इट्स नेस्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आपको एक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम दिया है एपिस मेलिफेरा, आपको बताना है कि कौन सा, नीचे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा हो सकता है ये, तो एपिस की हमने बात आती है, आपको एपिकल्चर याद आएगा, एपिकल्चर यानी कि हनी बी, मधुमक्खी का पालन, तो एपिस क्या है आपका, हनी बी है, हनी बी का साइंटिफिक नेम है, इसकी एक बहुत कॉमन स्पीसीज है जिसको हम हनी के लिए और बी वैक्स के लिए यूज़ करते हैं बहुत यूजली, सबसे कॉमनली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाई न्यूक्लियर रेडिएशन। देखिए, अपने पास बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अब वो लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में रहते हैं या फिर कभी एक्सीडेंटली अगर वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन जो है लीक हो जाती हैं और अगर किसी ह्यूमन बॉडी को एक्सपोज हो गई वो न्यूक्लियर रेडिएशन, तो आपको बताना है कि उस शरीर का कौन सा भाग जो है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी को पेनिट्रेट करेगी तो सबसे पहले उसे आपकी स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन है सबसे पहले किसे अफेक्ट करेंगे? स्किन को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये स्किन को पेनिट्रेट करके आपकी जो ऑर्गन्स हैं बाकी उन तक भी पहुँच जाएंगे। तो हो सकता है बाद में अलग अलग ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करें, डिपेंडिंग ऑन कि कितने रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा, कौन प्रभावित होगा, तो वो होगी आपकी त्वचा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपको पूछा है ओलिव रिडली। ओलिव रिडली किसका, एक अगेन ये कि आप एक कॉमन नेम दिया है आपको ओलिव रिडली के बारे में पूछा है कि किसके बारे, किसके लिए फेमस है ओलिव रिडली। एक फेमस टर्टल की स्पीसीज है और ये फेमस क्यों है ये आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि IUCN जो है IUCN रेड लिस्ट के अंदर ओलिव रिडली टर्टल जो है उसका अभी क्या स्टेटस है। ठीक है, ये आप बताइए, इतने में आपको बताती हूँ कि ये एक टर्टल की स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आपके शरीर में जो यूरिया की मात्रा है, यूरिया की सांद्रता जो है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी, कौन सी वेसल में पाई जाएगी, आपको अलग अलग दिए हैं। तो देखिए, यूरिया का फॉर्मेशन जो आपकी बॉडी में होता है वो होता है यूरिया साइकिल के द्वारा। ठीक है, यूरिया साइकिल के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, पर अभी जान लेते हैं कि यूरिया साइकिल जो है वो आपके कौन से ऑर्गन में सबसे ज़्यादा होती है। तो लिवर के अंदर। लिवर के जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स जो हैं उनके अंदर यूरिया साइकिल सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रही होती है। उसके अलावा भी जितने बॉडी सेल्स हैं उनमें थोड़ी बहुत अमाउंट में यूरिया साइकिल चलती है। तो यहाँ से क्या होगा, अब लिवर से जो वेसल बाहर जाएगी, जो वेसल लिवर से ब्लड लेकर के जाएगी आपके हार्ट के पास में, तो उसके पास में सबसे ज़्यादा यूरिया होगा। क्यों? क्योंकि लिवर ने यूरिया बनाया और यूरिया को भी ब्लड के साथ में भेज दिया। तो आपको सिर्फ मुझे बताना है लिवर से हार्ट को ले जाने वाली वेसल का नाम, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेपेटिक वेन। तो सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 414 देखिए, आपको एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जोनस साल्क। आपको बताना है इन्होंने कौन सी वैक्सीन का आविष्कार किया था। तो इन्होंने देखिए पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि पोलियो वायरस जो है उसके अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। तो इसी तरह से अब अगर कभी आपको पूछा जाए कि पोलियो की वैक्सीन किस तरह की, तो हमें सिर्फ ओरल जो है दो बूंद जिंदगी की वो ही मालूम है। ओरल के अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आपके पास में पोलियो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब इतना ही है कि जोनस साल्क ने पोलियो वैक्सीन जो है उसका आविष्कार किया था। 415 क्वेश्चन देखिए, कैंसर एक डिजीज है जिसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि अनियंत्रित हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो कैंसर, देखिए कैंसर का दूसरा नाम ट्यूमर भी है, ट्यूमर यानी कि गांठ। और गांठ के अंदर आप देखोगे तो गांठ आपको एक सॉलिड मास जैसा फील होता है और वहां पे उसकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन, जो विभाजन है, कोशिका विभाजन, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली जो सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं रहती है। इस वजह से बिना कोई हिसाब के वो डिवाइड करती रहती हैं, जितनी उनकी मर्जी होती है इतनी, और इस वजह से आपको लास्ट में एक गांठ जैसी अपीयरेंस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेल डिविजन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि मेटास्टेसिस क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हम चलते हैं 416 क्वेश्चन पे। आपको पूछा है जमुना परी, अगेन एक नाम दिया है, ये किसकी ब्रीड है। तो ये देखिए, जमुना परी इंडिया में बनाई गई एक ब्रीड है और ये एक बकरी की ब्रीड है। ठीक है, तो ये सही जवाब इसका क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन अ यूट्रस इज फाउंड यूजिंग, कि यूट्रस के अंदर एक बच्चा पल रहा है गर्भाशय के अंदर, ये आपको कैसे पता चलेगा, किस चीज़ से आप फाउंड करते हैं। देखिए, तो आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज के अंदर एक टीवी रखा हुआ होता है और टीवी के अंदर एक इमेज डिस्प्ले करी हुई होती है और उसमें आपको एक बच्चा जो है वो मूव करता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई देता है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो वो आपका जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड का। उसके अंदर आपकी गामा रेज, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेज जो है वो एक छोटे बच्चे के लिए, फीटस के लिए जो है वो
बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हम कौन सी रेज यूज़ करते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर हम साउंड रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, अल्ट्रासाउंड को हमने यूज़ किया है, सोनोग्राफी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो टेक्निक सोनोग्राफी है, जो टीवी स्क्रीन पे आपको दिखता है वो क्या है, वो आपका सोनोग्राम है। और कौन सी वेव्स आपने यूज़ करी, यहाँ पे आपने साउंड वेव्स को यूज़ करी है। तो ये तीनों ही जो मार्किंग्स है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको किसी भी फॉर्म में बदल करके पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 418 देखिए, एक एंटीबायोटिक क्या होती है। तो एंटीबायोटिक को हम डिवाइड कर लेते हैं एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, और दूसरा वर्ड इसमें है बायो, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो किसकी लाइफ के अगेंस्ट है, तो ये लाइफ यहाँ पे जो है ये है बैक्टीरिया की। तो जिस बैक्टीरिया के खिलाफ आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उस बैक्टीरिया का जो जीवन है वो खत्म हो जाने वाला है उस एंटीबायोटिक के बाद में, ठीक है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अ केमिकल सिंथेसाइज बाय ह्यूमन सेल्स अगेंस्ट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप ही बताइए, जो एंटीबायोटिक्स है ये ह्यूमन बींग्स ने डिस्कवर करी है या हमें अपने आप ही मिल गई। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स ने डिस्कवर करी है, तो पहला ऑप्शन एकदम ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट है, ये जो केमिकल्स हमने बनाए हैं ये सूक्ष्म जीवियों के अगेंस्ट है। सूक्ष्म जीवी जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, तो बैक्टीरिया तो सूक्ष्म जीवी है, एकदम ठीक बात है। दूसरा देखिए, केमिकल सिंथेसाइज बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने नहीं बनाया है। आगे देखिए, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ब्लड सेल्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ब्लड सेल्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स जो है बहुत शुरू में इनकी जो डिस्कवरी करी गई थी वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करी गई थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमने इनको जो है लेबोरेटरीज में भी बनाया है। तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। एंटीबायोटिक क्या है, एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है जो किसी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीचे जो विटामिन्स दिए हुए हैं उनसे कौन सा विटामिन है जो लिवर के द्वारा इजीली सिंथेसाइज कर दिया जाता है। तो देखिए, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं मैक्सिमम उनमें से जो है वो आपके लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्लोटिंग के अंदर कौन सा विटामिन इन्वॉल्व है, विटामिन के। तो विटामिन के भी आपका कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, लिवर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पस्कल्स, यानी रक्त वाहिकाओं का जो तरल भाग है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बोला है कि फ्लूइड पार्ट है, और फ्लूइड पार्ट के अंदर से आपको माइनस करना है ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि ब्लड सेल्स, यानी कि सारी रक्तीय कोशिकाएं जैसे कि RBC, WBC सब। तो ये जो ऑप्शन है ये होता है आपका प्लाज्मा। जब आप जो रक्त का जो फ्लूइड है उसमें से अगर सेल्स माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा प्लाज्मा, और अगर आप प्लाज्मा में से जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको अगर माइनस कर दोगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम, ठीक है। तो अभी आपसे जो पूछा है उसका जवाब क्या हो जाएगा, उसका जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। आगे सवाल देखिए, आपको पूछा है कि हार्ट मर्मर जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है। तो देखिए, हार्ट मर्मर आपको कैसे पता चलेगी, स्टेथोस्कोप से आप जब आवाज़ जो हार्ट बीट्स हैं वो सुनोगे, तो यहाँ पे आपको हार्ट बीट के अलावा कुछ और साउंड सुनाई देगी, और क्लियर हार्ट बीट सुनाई नहीं देंगी, उसे हम कहते हैं हार्ट मर्मर। और हार्ट मर्मर आपको कब सुनाई देगा, ये आपको सुनाई देता है जब आपके जो वॉल्व्स हैं हार्ट के उनके अंदर कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, डिसलोकेशन ऑफ हार्ट की वजह से नहीं होगा, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, पोअर ऑक्सीजन, नहीं, केवल और केवल अगर आपके पास डिफेक्टिव वॉल्व है आपके हृदय के अंदर, तो आपको हार्ट मर्मर सुनाई दे सकती है आपके हार्ट में आपके डॉक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स राइटिंग के लिए जो हमारा जो नेमिंग है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर दो नेम इंक्लूड है, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसके अंदर जो दो नेम इंक्लूड है वो कौन कौन से, एक स्पीसीज का नेम है, एक जेनेरिक नेम है, इसकी बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं। इसमें पूछा है कि जैसे इसमें जो नेम है होमोसेपियंस, ये कौन सी लैंग्वेज है, हमने तो कभी नहीं सुनी थी। तो ये लैंग्वेज इसमें जो यूज़ करी जाती है वो लैंग्वेज है लैटिन, ठीक है। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे आपको पूछा है कि जो पके हुए अंगूर होते हैं उनके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो देखिए, फ्रक्टोज जो है उसको आप फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं या फिर ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फलों में पाई जाती है, और फलों में भी कौन से में, अंगूरों में पाई जाती है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, फ्रक्टोज।
अब देखिए मुझे एक क्वेश्चन अभी याद आया है, आप मुझे बताइए कि इन्यूलिन जो सब्सटेंस है ये किसका पॉलीमर है, ठीक है? इसके बारे में हम फिर कभी किसी क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है एमआरआई की फुल फॉर्म, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो देखिए आप, क्वेश्चन मीटर्ड नहीं है, मैग्नेटिक है, तो ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और रिएक्शन नहीं है, रेजोनेंस है। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जैसे एमआरआई आप ब्रेन की करवाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स की आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। अगला देखिए, अगला आपको पूछा है ब्यूबो, ब्यूबो जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ब्यूबो, ब्यूबो जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके आउल का, उल्लू का, ठीक है? अब देखिए मोरनी का साइंटिफिक नेम मोर का पढ़ लिया, तो वही मोरनी का होगा पैबो, पैबो के नाम से कुछ होता है। कॉक और फैल्कन का और हम देख लेते हैं, तो आपका जो कॉक है उसका साइंटिफिक नेम आपका होता है गैलस, गैलस डोमेस्टिकस, और फैल्कन के अंदर जो जेनेरिक नेम है आपको फैको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है जो टीथ की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? टीथ की स्टडी को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी आपने पढ़ा होगा। बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, जो आपका कॉस्मोस है, आपका यूनिवर्स है, उसकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ओडोंटोइड जो है ओडोंटोलॉजी, इसमें टीथ की स्टडी को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम इन प्रेजेंस, इन हूज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन अल्कोहल में हो रहा है, तो देखिए एक एनएरोबिक रिएक्शन है, ठीक है? तो ये जो एनएरोबिक रिएक्शन है ये होती है आपके जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है? जो आपकी फर्मेंटेशन रिएक्शन है उनके अंदर बहुत सारी जगह आप जो है जाइमेज एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आपने यीस्ट को भी यूज़ किया है तो उसके अंदर भी जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन की वो कौन से एंजाइम की वजह से हो रही है? वो हो रही है जाइमेज की वजह से। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी। और इसके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिसमें शुगर जो है वो ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है, कन्वर्ट हो जाती है इथेनॉल में, इथेनॉल जो आपका एक अल्कोहल है, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। और इसके साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? आपको बताना है कि वो स्टडी, वो अध्ययन जिसमें हम विसरल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, यानी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसे कौन सी स्टडी कहोगे? देखिए एंजियोलॉजी होती है आपके हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की डिजीजेस से रिलेटेड जो स्टडी है वो एंजियोलॉजी है। आर्थ्रोलॉजी जो है वो आपके बोन से रिलेटेड या जॉइंट्स से रिलेटेड जो स्टडी है उसको आप आर्थ्रोलॉजी कहोगे। एंथ्रोपोलॉजी जो, एंथ्रोपोलॉजी भी विसरल ऑर्गन्स की स्टडी को नहीं कहते हैं, लेकिन स्प्लैंक्नोलॉजी जो है उसे हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स की स्टडी, ओके? एंथ्रोपोलॉजी आपकी होती है, आपकी एंथ्रोपोलॉजी में आप की स्टडी कौन कौन सी आती है? आती है एनाटॉमी, आती है फंक्शन, डिसफंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस। सॉरी एंथ्रोपोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को डिस्कस करते हैं और सोसाइटीज़ को डिस्कस करते हैं कि पास्ट में सोसाइटीज़ कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ओके? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 429, क्वेश्चन 429 है, आपको बताना है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ सेल्स, आपको सेल्स की स्टडी। तो देखिए सेल्स की स्टडी को आप सेल बायोलॉजी भी कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप कहोगे तो ऑप्शन ही नहीं, आप मुझे सही आंसर नहीं बता रहे हो। तो देखिए सेल को जो है, सेल को हम साइटो के नाम से भी जानते हैं, साइटो, जैसे कि पोडोसाइट्स, ठीक है? जैसे कि आप अगर बात करो आपके बोन के जो सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है? तो कहीं पे भी अगर आपको एंड में साइट मिलता है उसका क्या मतलब है, सेल। तो साइटो और लोगोस इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो कौन सा टर्म आएगा आपका, साइटोलॉजी। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड, एक्सटिंक्ट एनिमल का अध्ययन जो है, विलुप्त जानवर जो है उनके अध्ययन को आप क्या कहोगे? हर्पेंटोलॉजी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्नेक्स की या फिर रेप्टाइल्स की इसमें स्टडी होती है, ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी होती है, जियोलॉजी भी कहीं पर रिलेटेड ही नहीं है एक्सटिंक्ट एनिमल से। तो जो पैलेंटोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी जो है वो रिलेटेड है उन एनिमल्स की स्टडी के बारे में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो ये आपका एक क्राइटेरिया है IUCN रेड लिस्ट का, जो मैं क्राइटेरिया आपको थोड़ी देर पहले टर्टल का पूछ रही थी उनमें से एक है आपका एक्सटिंक्ट, ठीक है? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 431 में आपको पूछा है कि स्लीपलेसनेस जो है, नींद नहीं आना, अनिद्रा जो है उसके लिए मेडिकल टर्म क्या होती है? तो स्लीपलेसनेस के लिए जो मेडिकल टर्म है वो है आपका इंसोमनिया, ठीक है?
इसके अलावा जो ऑप्शंस है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है सोमनेम्ब्यूलिज्म। सोमनेम्ब्यूलिज्म होता है स्लीप वॉकिंग, नींद के अंदर जो लोग रात को जग जग के जैसे घूमते हैं बहुत, वो है सोमनेम्ब्यूलिज्म। हेल्यूसिनेशन है, हेल्यूसिनेशन होता है कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है, कुछ ऐसा सुना है, कुछ ऐसा टेस्ट किया है, लेकिन एक्चुअल में वो सब चीज़ें वहाँ पे होती नहीं है, वो सिर्फ आपको भ्रम होता है कि ऐसा सब कुछ हुआ था। और नॉक्टूरिया जो है, नॉक्टूरिया के अंदर जो मिक्चुरेशन है, जो यूरिन पास करने की प्रोसेस जो है वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से जो बच्चे हैं वो रात को जो है कपड़े गीले कर देते हैं, उसे हम कहते हैं नॉक्टूरिया। ठीक है, तो हमसे स्लीपनेसनेस पूछा है, स्लीपनेसनेस आपका क्या हो जाएगा, इनसोमनिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। लैक्टोबैसिलस आपको पूछा है, लैक्टोबैसिलस सबसे ज्यादा कॉमनली आपको किस में मिलेगा, दही के अंदर मिलेगा, और इसीलिए जो है आप मिल्क के अंदर जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ किसका ऐड करते हो, दही का एक छोटा सा अमाउंट जब आप ऐड कर देते हो तो क्या होता है, इससे दही से आपके दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और धीरे धीरे ओवरनाइट इनकी पूरी एक्टिविटी से पूरा जो मिल्क है वो सुबह कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैक्टोकर्ड। तो इससे हमें यही समझने को मिलता है कि सारे बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉजिंग नहीं है, हमारे काम के आने वाले बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं। तो आप मुझे दो या फिर दो से पांच बैक्टीरिया ऐसे और बताइए जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है, ओके, और उनसे कोई भी किसी तरह की डिजीज जो है वो नहीं होती है। आगे आपको पूछा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अंदर आमतौर पर किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो देखिए, एक तो आयरन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया या फिर हम बात करें यूजुअली वर्ल्ड वाइड, अनीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जो मेनली जितनी भी वुमेन्स हैं वो सारी की सारी, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है वो अनीमिक होती हैं, और इनके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट है मदर की वो बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनको फीटस को भी फीड करना पड़ता है। तो आयरन और आयरन के साथ साथ में कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको डे टू डे बेसिस पे जो आपके पेशेंट्स होते हैं उनके हिसाब से ही पता चलेगा, कोई इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी यूजुअली हमें प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उनमें देखने को मिलती है, इसलिए उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, और हो सकता है कैल्शियम की टैबलेट्स भी उनको दी जाए। अगला आपको पूछा है रेडियो इम्यूनो एसे के बारे में। रेडियो इम्यूनो एसे जो है एक तरह की थेरेपी है, वो आप कब यूज़ करेंगे, उसमें देखिए अगर आपको किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और अगर आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है, उस जो भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है वो, तो हम रेडियो इम्यूनो एसे करते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे में हम क्या करेंगे, एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, एंटीबॉडीज की हेल्प से, इसे हम कहते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। लंग कैंसर को क्योर नहीं से हम ठीक करने के लिए काम में नहीं लेते हैं, सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए, एड्स को क्योर करने के लिए नहीं। एड्स को क्योर करने के लिए अब तक कोई भी दवाई नहीं आई है, तो हम सिर्फ एड्स के लिए कीमोथेरेपी देते हैं, इसीलिए एड्स के लिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टू क्योर फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, नहीं, फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स के ऊपर आप प्लास्टर आपका बनता है, उसके बाद में आपको कुछ मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करी जाती हैं। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, टू डिटेक्ट एंटीजन्स एंड हॉर्मोन्स जो आपके ब्लड में, आपके रक्त में हो। क्वेश्चन नंबर 435, देखिए आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन सा एक सही, एक ट्रू स्नेक नहीं है, वास्तविक सांप नहीं है। तो ग्लास स्नेक देखिए आप हिंदी में देखिए, बिना पैर वाली छिपकली, तो ये जो छिपकली है वो ऐसे आपको अपीयर होगी कि इसके पैर नहीं है, तो छिपकली को देख के आपको एक बार लगेगा कि ये सांप है जैसे, तो ये छिपकली है क्योंकि, तो ये एक ट्रू स्नेक नहीं है। बाकी सारे सी स्नेक हमने थोड़ी देर पहले ड्रायोफिस डिस्कस किया था, ट्री स्नेक, ब्लाइंड स्नेक, ये तीनों जो स्नेक हैं ट्रू स्नेक हैं। ग्लास स्नेक के बारे में आप और देखिए, कौन सी लिजार्ड होती है ये, ये एक लेगलेस लिजार्ड है, इसमें पैर नहीं होते हैं, और इसका जीनस कौन सा है, ऑफिसोरस, ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी शाइनी होती है, इस वजह से हम इसको ग्लास स्नेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू क्लास मेमेलिया। आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे जो आपको नाम दिए हुए सबके सब मेमेलिया से हैं। तो हम देखते हैं लायन है, हिप्पोपोटामस है, पेंगुइन, पेंगुइन आपका कौन से में आता है, एवीज में, लॉयन, बैट, वेल, ऑस्ट्रिच, अगेन ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है, आपका एवीज में आएगा। अगेन देखिए आपका थर्ड ऑप्शन में फिर से पेंगुइन आ गया। लास्ट ऑप्शन देखिए, वेल मैमल है, बैट मैमल है, कंगारू मैमल है, और हिप्पोपोटामस इज ऑल्सो अ मैमल।
तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला आपको पूछा है राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। राइजोबियम इज अ बायो फर्टिलाइजर। आपको बताना है विच फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ये भी हमें मालूम है। अब आपको बताना है कि ये किसकी नोड्यूल से मिलेगा। तो देखिए, हमने बात करी थी फाबेसी या फिर लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है। लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर क्या होता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनके अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है? कुछ बैक्टीरियाज की वजह से होता है। इस तरह से जो उनकी रूट है उनके अंदर इस तरह से आपको गांठों जैसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। इनको हम कहते हैं नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स आपको बनते हैं कुछ बैक्टीरिया की वजह से, जिनमें एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, और इनका काम क्या है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। आपको बताना है कि कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलेगा? जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में मिलता है, पत्तियों में या तने में नहीं मिलता। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको नोड्यूल का डायग्राम दिखाया है। ये आपकी रूट है, रूट के अंदर ये देखिए इस तरह की, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके हैं नोड्यूल्स, जिनके अंदर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा। आपको बताना है अगला कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल। तो देखिए, कार्टिलेजिनस फिश कौन सी होती है? इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश। और आप देखिए, शार्क, शार्क कार्टिलेजिनस फिश है, एकदम सही है। टूना नहीं है। शार्क और रे, ये दोनों जो है आपके कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जाम्पल हैं। तो सही जवाब इनका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो देखिए, आपको कार्टिलेजिनस बोन फिश के एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एक जो है ऑर्गेनिज्म उनको डिफ्रेंशिएट करके हम नहीं याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। कॉन्टेक्टीज कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस को। इसमें एग्जाम्पल आपकी शार्क है, रेज है, डॉग फिशेस हैं, स्केट्स हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश। ये शायद क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, पीछे आपको पूछा गया था कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। सॉरी, मुझे लगा शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सी जो है ट्रू फिश नहीं है। तो देखिए, सिल्वर फिश, एक बार तो आपको लगेगा नाम से कि फिश है, सबके नाम के एंड में तो सारी फिशेज होनी चाहिए। नहीं, सिल्वर फिश जो है ये एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। आर्थ्रोपोडा आपका एक इनवर्टिब्रेट है, ये फिशेज नहीं हो सकती। बस इनका नाम हमने क्या दे दिया है, इसके नाम कॉमन नेम में हमने फिश ऐड कर दिया है, उस वजह से ये फिश नहीं होगी। जो सॉ फिश है और जो हैमर फिश है, दोनों अलग अलग टाइप की शार्क्स हैं। और शार्क जो है वो आपकी ट्रू फिश, वास्तविक मछली का उदाहरण है। और सकर फिश भी आपके क्या है? फिश है, सिल्वर फिश नहीं है। अगला आपको पूछा है मेंडल के बारे में। ग्रिगर जॉन मेंडल, ये किस चीज के लिए फेमस है? तो देखिए, ग्रिगर जॉन मेंडल ने मटर के ऊपर स्टडी करी थी, पी प्लांट के ऊपर। ये एक मॉन्क थे, पादरी थे किसी चर्च के अंदर, लेकिन इनको खेती बाड़ी का बहुत शौक था। तो देखिए, वहां से इन्होंने पी के ऊपर, मटर के ऊपर रेगुलर स्टडी करी, और उसके बाद में इन्होंने तीन लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के। आप मुझे वो तीनों लॉज के नाम बताइए। क्योंकि इन्होंने हेरिडिट्री के लॉ दिए थे, इस वजह से ये बहुत फेमस है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। सेल थ्योरी ग्रिगर जॉन मेंडल ने नहीं दी थी, सेल थ्योरी दी थी शिल्डेन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने। इसके साथ साथ आप मुझे बता सकते हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन और थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी? ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज वेरी रेयर इन वुमेन कंपेयर टू मेन अफेक्टेड विद द सेम डिसऑर्डर। आपको बताना है कि अगर सेम डिजीज है वो आपको वुमेन और मेन के अंदर, यानी कि महिलाओं में और पुरुषों में होने की संभावना किसके अंदर ज्यादा है? तो इस तरह की जो डिजीजेज होती हैं, इनमें देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एक्स लिंक्ड जो डिजीजेस हैं, जो एक्स लिंक्ड से होंगी, यानी एक्स क्रोमोसोम के साथ में जो लिंक डिजीजेस हैं वो सबसे ज्यादा होंगी आपके मेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पुरुष हैं उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम एक ही है और महिलाओं के अंदर एक्स क्रोमोसोम दो होते हैं। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम भी वहां पे डिजीज वाला होगा तो भी वो जो है, वो जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी सिर्फ डिजीज की। ठीक है, उसको खुद को डिजीज तब तक नहीं होगा जब तक उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिजीज वाले ना आए। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका एक्स लिंक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ में आपका हीमोफीलिया भी एक्स लिंक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो डिजीजेस है ये आपको ज्यादा देखने को मिलती है वुमेन के अंदर, तो सॉरी मेल्स के अंदर। ठीक है, तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कलर ब्लाइंडनेस। अगला सवाल है, विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। अगर कोई पर्सन इल है तो उसके अंदर एंटीजन जा करके क्या करेगा? तो एंटीजन है, एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर अगर होता है
तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। प्रतिजन अगर आपकी बॉडी में आया है तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी में क्या बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेंगे। और प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडीज जो है वो एक तरह की WBCs होती हैं। और एंटीबॉडीज ही नहीं, एंटीबॉडीज के अलावा भी आपके WBC में अलग अलग तरह के सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, तो आपके पास में फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फेगोसिटिक सेल्स क्या करेंगे, इनको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इस तरह से आपको इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। तो ये क्या करेगा, एंटीजन आपके शरीर में जाकर के जो WBCs हैं उनकी प्रोडक्शन जो है उनका उत्पादन बढ़ा देगा, ठीक है। ओके, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और फैट्स, इनमें से बॉडी बिल्डर आप किसे कहोगे। तो देखिए, मुझे तो बॉडी बिल्डर बोलते ही जिम याद आता है, तो मेरे जिम जाने वाले जितने भी फ्रेंड हैं वो अपना प्रोटीन पाउडर कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम गए और जिम जाके प्रोटीन खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोटीन ही वो आपके शरीर का वो घटक है जिसे जो आप डाइट्स में ले रहे हो, जो आपकी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, और जो आपको नॉर्मल जो एनर्जी है वो आपको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स वगैरह से, ठीक है। तो सही जवाब बॉडी बिल्डर का कौन होगा, ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधों के अंदर कैल्शियम और वाटर इनके एब्जॉर्प्शन की जो रेट है उसको बढ़ा देता है। तो देखिए, बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है, ये देखिए एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं और एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इन्हें पता चला, ये इन्होंने NCERT में लाइन बना दी, और NCERT में ये लाइन है तो यहाँ से आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको उठा के पूछे जाते हैं। तो वाटर और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा अगर वहाँ पे बोरोन भी प्रेजेंट होगा उस जगह में। तो यहाँ पे सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इट टू ओपन एयर। आपको बताना है कौन सी इनमें से वुड ऐसी होगी जिसको अगर आपने एक्सपोज कर दिया बाहरी वातावरण के संपर्क में, अगर आप ले आए तो वो खराब हो जाएगी। तो देखिए, वेट वुड और हार्ड वुड जो होती है इनके अंदर एक ही डिफरेंस है कि वेट वुड के अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, और देखिए जहाँ कहीं भी मॉइस्चर होता है वहाँ पे बैक्टीरिया के अटैक करने की टेंडेंसी सबसे पहले होती है। तो वो अटैक अगर कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो लकड़ी है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए अगर आप उसे वातावरण के संपर्क में ले आते हैं तो वो उतना आपके लिए काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, वेट वुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल कौन है। तो लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया देखिए दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब वो एंटीबायोटिक्स जो दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इनमें से आपको एग्जाम्पल बताना है। तो देखिए, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, पैरासिटामोल और क्लोरामफेनिकॉल, इनमें से जो क्लोरामफेनिकॉल ड्रग है आपकी, ये दोनों तरह के बैक्टीरियाज को मार देती है। बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं, तो इसे हम कहेंगे लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। अगला आपको बताना है सवाल जो है कि आपकी जो बोन्स है और आपकी जो टीथ है वो किससे बनी हुई होती है। तो इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका है वो होगा आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोन्स और टीथ जनरली बने हुए होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। इसको जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का है, और केमिकल फॉर्मूला उसका देख लीजिए, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ओके। अंगोरा वूल आपको पूछा है किससे मिलता है, तो अंगोरा वूल आपको मिलता है अंगोरा रैबिट से, बहुत ही सिंपल है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, नेम द गैस विच इज यूज बाय द वाइट ब्लड सेल्स टू किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जीवाणु, अतिक्रमणकारी जीवाणु जो आपके शरीर में पहुंच चुके हैं, उनसे लड़ने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कौन सी गैस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हमारे ब्लड में हमारे पास में दो ही गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। इनमें से जो ऑक्सीजन गैस है उसका इस्तेमाल करेंगी वाइट ब्लड सेल्स जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया है उनसे लड़ने के लिए और उनको खत्म करने के लिए। सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन।
आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम, द फर्स्ट एनिमल बॉर्न इन 1990 बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एट द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किसी एनिमल पे किया गया था 1990 में किया गया था, और उससे जो आपका ऑफस्प्रिंग आया था उसको, क्योंकि सबसे पहली बार इंडिया में IVF किया गया था तो हमने उसको नाम दे दिया प्रथम। आपको बताना है कि जो प्रथम है वो एक गाय था, गाय का यानी कि बच्चा था, या बफेलो भैंस का बच्चा था, शीप या गोट। तो देखिए प्रथम जो था वो आपके भैंस का बच्चा था, काफ था, ठीक है। तो सही जवाब इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। तो देखिए इस तरह आज हमने बहुत सारे एनिमल्स भी पढ़े, जैसे हमने डॉली के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्रथम के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक गोट की वैरायटी भी पढ़ी थी। तो ये नाम जो है इस तरह के आप एक साथ इनको एक जगह पे लेकर के याद रख सकते हैं। आज के 50 MCQs हैं वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, तो इसीलिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए यही सवाल थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।